महाराष्ट्र में प्याज किसानों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। दरअसल महाराष्ट्र राज्य में पिछले 6 से 7 महीने से प्याज की खेती करने वाले किसानों को प्याज का उचित दाम नहीं मिला है। हालांकि कुछ दिन पहले प्याज की कीमतों में उछाल जरूर देखा गया, लेकिन वो भी सभी किसानों को उसका लाभ नहीं दे पाया। जिन किसानों के पास स्टॉक जमा था, उन्हीं किसानों को थोड़ी राहत मिली। अभी भी कई मंडियों में किसानों को प्याज का दाम 150 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। प्याज उत्पादकों का कहना है कि ये साल हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक रहा है। वहीं महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत धिगोले का कहना है कि इस साल प्याज उत्पादकों के घाटा ही हुआ है। बीच में प्याज की कीमतों में थोड़ी बढ़त जरूर देखने को मिली, लेकिन उससे सभी किसानों को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर किसानों का प्याज बारिश के पानी में भीग कर सड़ गया, तो कुछ किसानों के स्टोरेज किए हुए प्याज में फंगल लग जाने से खराब हो गए। लगभग 40% प्याज खराब हो चुका है। ऐसे में किसानों के पास माल ही नहीं बेचने के लिए, तो बढ़े हुए दामों का कैसे किसानों को मिलेगा फायदा। वहीं धिगोले का कहना है कि अगर अब किसान 30 से 35 रुपए प्रति किलो रेट पर प्याज बेचे, तब जाकर उनको घाटे की भरपाई हो पाएगी। वहीं प्याज महाराष्ट्र की प्रमुख फसल है, लेकिन प्याज का बाजार भाव इतना कम रहा है कि किसान इस साल भारी घाटे में है। इसकी वजह से प्याज उत्पादक किसानों को बड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के कम से कम 15 लाख किसान परिवार प्याज की फसल पर निर्भर हैं, और इसीलिए इतने किसानों को इस साल प्याज का लागत मूल्य भी नहीं मिला है। वहीं धिगोले का कहना है कि पिछले 2 साल से किसान कम रेट की मार झेल रहे हैं, ऐसे में कैसे किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी। आपको बता दें कि कल सोलापुर की मंडियों में प्याज का जो दाम है वो 2400 रुपये प्रति क्विंटल अधिकतम देखने को मिला था, और वहीं अगर योवला की मंडी की बात करें तो वहां पर अधिकतम दाम 2500 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला था। वहीं धुले की मंडियों में प्याज का अधिकतम दाम 1800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।